सो हाय हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. लेट मी जस्ट क्लियर कि स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर तरीके से और आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. बस ये दो चीज मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो. गुड मॉर्निंग अंजू जी, एंड दैट्स लाइक माई गुड गर्ल. स्माइल है भाई आज तो आपके फेस पे. चलिए बाकी के ज्वाइन कर देंगे एक दो मिनट में. अच्छा लगा स्माइल देख के, मैं खुश हो गई. देखो मेरे फेस पे स्माइल आ गई आप लोगों की स्माइल देख के. ऐसे ही खुश रहा करो. और मुझे ये बता दो, जो सैटरडे की जो क्लास हुई थी आपकी यूट्यूब पे, उसका पीडीएफ सब लोगों को मिल गया ना? और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस सॉल्व किए या नहीं किए? ओके, सॉल्व हो गए थे ना? कुछ आंसर ऐसा तो नहीं था ना कि कुछ नहीं समझ में आया हो? अगर है ऐसा तो आप पूछ लेना. ओके okay? सो ये आपकी क्लास का टाइम टेबल है. यहाँ पे आपकी होम साइंस यूजीसी नेट की क्लास होती है बाय आकांक्षा मैम. और एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले तो ये टाइम टेबल देख लो कि ऐप पे और यूट्यूब पे दोनों पे आपकी जो क्लास है वो 10 AM होती है, बट मंडे थर्सडे को आपका ऐप पे होता है, फ्राइडे सैटरडे को आपका यूट्यूब पे होता है ना? ये सिंपली आपका टाइम टेबल रहता है. और कल क्या था हमारा भाई, कोई मुझे बताएगा कल क्या था? ओके, जो भी था पूछ लेना, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ. और एक चीज बताओ यार, मुझे ये बताओ, वो जो मैंने ग्रुप बनाया आप लोगों के लिए होम साइंस बाय माथुर, माथुर होम साइंस करके, हाँ फ्रेंडशिप डे था, तो क्या वो ग्रुप मेरे लिए या आप लोगों के लिए, ये बताओ पहले. तो वो जो डिस्कशन ग्रुप मैंने बनाया जिसमें आप लोग होस्ट आए से ज्वाइन, वो ग्रुप मेरे लिए है या आप लोगों के लिए है? जस्ट इतनी सी बात बताओ मुझे. आपके लिए तो ऑब्वियसली बात है ना, वो है किसके लिए? डिस्कशन के लिए ग्रुप है. तो क्या वो ग्रुप ऐसे ही सुना सुना पड़ा रहेगा, ये बताओ. दिस तुम्हारे लिए ग्रुप है यार, उसका भरपूर फायदा उठाओ. तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, बात करो, कोई कंफ्यूजन हो. मैंने वो ग्रुप बनाया ही इसीलिए था यार. और सीरियसली उस ग्रुप को ना मैं, चलो एडमिन ना अंजू जी, अब आप उस ग्रुप का वो देख रेख करोगे, मैं नहीं हूं वहां पे, तो आप देखोगे उसको कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या नहीं हो रही है. आप पूरा उसको मैनेज करके चलोगे, ठीक है? आई विल गिव यू रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यू. ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको दे रही हूँ. आप लोगों को यार उस ग्रुप का खूब यूज करो, जो बात करनी है वो बात करो, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि सपोज करो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने दिए ही क्वेश्चन इसीलिए थे आप लोगों को कि वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए. नो मैम, किसके लिए बोल रही हो भाई, है ना? तो वो क्वेश्चन दिए थे मैंने ताकि आप लोगों को वहां कोई कंफ्यूजन हो, तो मैं तो हूं ही एट लास्ट बताने के लिए, है ना? मैं तो रहूंगी, लेकिन वहां पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो यार आप सब लोग आपस में फ्रेंड्स हो, है ना? तो वहां पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करो. गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, मैं अब आप ही को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ इसकी. कुछ नहीं करना है, बस उसमें अगर जैसे कि मैं कोई इंफॉर्मेशन देती हूँ तो वो इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में डालनी है, और कुछ नहीं करना है. और जैसे नॉर्मली यार तुम लोगों का ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप बने रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं, उसमें तुम लोग कहाँ से तुम्हारे पास बातें आ जाती हैं? तो बस वही है, डिस्कशन करो उसमें जो भी. जैसे कि सपोज करो कल तुम्हें क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किए, उसमें तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, तो वहां तुम आपस में पूछ सकते हो कि मैम ने ये क्वेश्चन दिया, किसी ने सॉल्व किया है क्या, किसी को इसका आंसर पता है क्या, ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, है ना? किसी ना किसी को तो उसका आंसर पता ही होगा. नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मुझसे आगे पूछ लेना. तो बस उस ग्रुप को यूज करो, अदरवाइज यार फिर तो ऐसा हो जाएगा कि मैं तो कुछ हुई नहीं हूं, मेरी बात तो कुछ मायने रखती ही नहीं है आप लोगों के लिए, है ना? मैं हार जाऊंगी फिर, पहले ही बोल रही हूं.
तो भाई कल था हमारा फ्रेंडशिप डे, कल हमारी क्लास नहीं थी, बट यार टुडे हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यॉल। मैं इसीलिए देखो यहाँ पे फोर्स कर रही थी कि एक फ्रेंड की तरह रहो यार, फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखो, बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन करो एक दूसरे से, जितना कम्युनिकेट करोगे उतने ही आपके कंफ्यूजन है वो दूर होंगे। तो मस्त रहो, बिंदास रहो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे का सहारा भी बनो। ओके ओके, तो फ्रेंड का मतलब क्या है? फ्यू रिलेशन इन अर्थ नेवर डाई, मतलब ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, इनको तुम लोग कमाते हो यार। देखो बाकी के रिश्ते तो क्या, आपको बस मिल जाते हैं, मम्मा पापा भाई बहन ये तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसा रिश्ता है जहाँ जिनको आप खुद बनाते हो, खुद बिल्ड करते हो। थैंक यू अंजू जी, मैं तो आपकी सबसे बड़ी फ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ मेरे साथ रह रहो, एकदम फ्रेंडली नेचर की तरह रहो, कोई भी दिक्कत हो यू कैन शेयर विद मी, है ना। चलो ये हुई ना बात। गुड मॉर्निंग रेशु जी, रेशु जी की तो मुझे मार लगानी पड़ेगी भाई। सबको मैंने हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश कर दिया है, कल आई नो कल संडे था तो कल नहीं विश कर पाए, तो आज सब लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और चलो मैं यहाँ पे क्यों मैम, हाँ मैं बता रही हूँ क्यों मार लगाने वाली हूँ। सबसे पहली चीज तो ये बताओ मुझे कि वो जो मैंने ग्रुप बनाया है आप लोगों की डिस्कशन के लिए, क्या वो ग्रुप मेरे लिए है ये बताइए। आप सब लोग उस ग्रुप के एडमिन हो यार, आप सब लोगों के लिए वो ग्रुप मेरा नहीं है। गलती यही है कि अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डिस्कशन है, उस ग्रुप को अभी तक तुमने उसका शुभारंभ ही नहीं किया यार, सुना सुना पड़ा है वो ग्रुप, ऐसे काम चलेगा क्या? और मैं बार बार बोल रही हूँ जितना डिस्कशन करोगे उतना आपका कंफ्यूजन दूर होगा, पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आता है, अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। टेलीग्राम पे जो ग्रुप बनाया है, एक तो आपका होम साइंस का ग्रुप है जहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ रिगार्डिंग क्लासेस, स्टिल इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप है जिसका मैंने लिंक दे दिया था माथुर होम साइंस करके, जहाँ पे जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत से स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि मैम हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं पूछ पाते हैं, तो उसके लिए वो ग्रुप बनाया गया है भाई, उसको यूज करो, आपस में कम्युनिकेट किया करो, जो भी कंफ्यूजन हुआ करे एक दूसरे से क्वेश्चंस किया करो यार। और वहां डरना किस बात का है ये बताओ, डर किस बात का है कि मैम देख लेंगी, मैम नहीं है भाई उस ग्रुप में, मैम नहीं रहने वाली है, आप लोगों का है वो ग्रुप, आप यूज करो उसे, बस मैम के नाम से है वो। और एक और चीज बताओ मुझे जल्दी से, सब लोग बताओ, मुझे लग रहा जल्दी से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो भाई और ज्वाइन करो उसे। और मुझे एक चीज और बता दो, तुम लोग जब सर्च करते हो मेरी क्लास तो क्या डाल के सर्च करते हो ये और बता दो, मतलब होम साइंस बाय माथुर मैम डालते हो या होम साइंस बाय आकांक्षा मैम, क्या डालते हो जब भी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हो, तो ये कमेंट में बता दो मुझे जल्दी से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड डिलीवरी सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि फूड सिस्टम पढ़ लिया था, है ना, फूड सर्विस सिस्टम पढ़ लिया था, और फूड मेन्यू क्या होते हैं ये सारी चीजें हमने कवर आउट कर ली थी। और अब हम लोग पढ़ लेंगे कि जो हमारे पास में फूड प्रिपेयर हो जाता है, मेन्यू जो हमारे पास में है उसको डिलीवर किस तरीके से किया जाता है लोगों के पास में, नोटिफिकेशन आ जाता है। ओके 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 ठीक है ओके ठीक है। या तो आप लोग की मर्जी है, या तो आप होम साइंस बाय माथुर मैम यूज कर सकते हो या फिर होम साइंस में आकांक्षा मैम। आकांक्षा की स्पेलिंग भाई मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो ये आकांक्षा की स्पेलिंग है ठीक है, ध्यान रखा करो।
चलिए हम पढ़ लें फूड डिलीवरी सिस्टम। एक हमारी क्लास में भाई प्रियंका है जो बहुत सुस्त सुस्त सी रहती है। क्यों भाई, आप लोगों ने उनको अपना फ्रेंड नहीं बनाया है? क्यों, ऐसा क्यों है? चलिए, जिसने नहीं ज्वाइन हुए हैं व्हाट्सएप में, वो कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती हैं। और दिसंबर बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका जो 25% जो ऑफर था वो खत्म हो चुका है। और अगेन आपका पेपर 1 1999 में है, पेपर 2 भी 1999 में है, दोनों पेपर आपको मिल जाते हैं 2 999 में, जहाँ नोट्स, लाइव क्लासेस, एमसीक्यू एंड पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है? और जब भी अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए बोलो, तो इस कोड को यूज करना मत भूलना, जो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है जिसको यूज करने से। फूड डिलीवरी सिस्टम, देखो हमने कल पढ़ा था सैटरडे को, जहां हमने क्वेश्चन भी किया था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किया था या नहीं किया था, है ना? एक क्वेश्चन था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो फूड डिलीवरी सिस्टम क्या है बेसिकली? आपके पास में अब जो आपने जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन हो गया, यानी कि आपने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस कराने के बाद में आपने मंगा लिया उसको, है ना? मंगाने के बाद में आपने फूड अपना मेन्यू भी प्रिपेयर कर लिया। मेन्यू प्रिपेयर करने के बाद में अब आपके पास में जो फूड आइटम बन के तैयार हो गया है, उस फूड आइटम को आपको अब डिलीवर भी तो करना है ना, कंज्यूमर तक पहुंचाना भी है या नहीं पहुंचाना है। तो वो किस तरीके से आप पहुंचाओगे, वो आपकी फूड डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। यानी कि आप अपना जो आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप अगर किसी दूसरे कस्टमर को सेल आउट कर रहे हो, तो उसको आप किस तरीके से सेल आउट करोगे, किस माध्यम से आप उसको डिलीवर करोगे, वो आपका फूड डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। जो बेसिकली क्या है, अगर हम लोगों ने, एक तो था आपका फूड सर्विस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, कि ये आपका 4 तरीके का होता है, कन्वेंशनल, असेंबली, रेडी टू प्रिपेयर, और एक कौन सा होता है, कौन बताएगा? कमिश्नरी, ठीक है? ये आपके 4 क्या होते हैं, फूड सिस्टम होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि कहाँ क्या कैसे खाना होता है, लेकिन जो आपका फूड डिलीवरी सिस्टम है, अब आपके पास में जो खाना आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, किस सर्विस के माध्यम से आ रहा है, वो आपका फूड डिलीवरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है? ये 2 तरीके का होता है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम लोग फूड सिस्टम वाला पार्ट कर रहे थे, तो उसमें कुछ टर्म्स आए थे ये, कि कन्वेंशनल जो सिस्टम होता है उसमें सेंट्रलाइज डिलीवरी सिस्टम यूज किया जाता है, ऐसे कुछ टर्म्स आए थे या नहीं आए थे, है ना? तो मैंने कहा था कि ये मैं जब डिलीवरी वाला सिस्टम कर डिलीवरी वाला टॉपिक कराऊंगी, तब मैं आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना? तो सेंट्रलाइजेशन डिलीवरी सिस्टम वो होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, कि आपके पास में जो फूड होता है वो एक ही जगह पे सारा का सारा खाना बनाया जाता है ना? यानी कि हर चीज जो है आपकी एक ही जगह पे फुलफिल की जाए, एक ही जगह पे खाना पकाया जाए, वहीं पे उसको पैक किया जाए, वहीं से वो कस्टमर को प्रोवाइड कराया जाए, वो आपका सेंट्रलाइज डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। कभी भूलना मत इसे, कि सेंट्रलाइज मतलब यार एक ही जगह पे सारी चीजें, सारे काम हो रहे हैं और वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ फैसिलिटीज जो होती है ना, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, उन जगहों पे ये वाला सिस्टम क्या है, यूज किया जाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मेरी ये कैंटीन है, ठीक है, ये कैंटीन है मेरे पास में, इस कैंटीन में मेरा सारा खाना बन रहा है। अब यहां से क्या होगा, इस कैंटीन से क्या है, अब हॉस्पिटल में वार्ड अलग अलग है, 1 वार्ड 2 वार्ड 3 वार्ड, है ना? तो अब क्या है, इन सभी जगहों पे यहीं से खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो डायबिटीज पेशेंट को हो, या फिर किसी का ऑपरेशन हुआ हो वो पेशेंट हो, या जनरल वार्ड का पेशेंट हो, कोई भी होगा, यहीं से आपका सारा खाना है वो डिलीवर होगा, चाहे स्टाफ मेंबर हो या फिर पेशेंट हो, कोई भी हो। तो सेंट्रलाइजेशन का आप मतलब समझ रहे हो कि क्या है, कि एक ही जगह पे सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहीं से वो आपका कस्टमर के पास में भी
पहुंच जाता है वो आपका सेंट्रलाइज्ड डिलीवरी सिस्टम कहलाता है, जहाँ की पूरा का पूरा फूड प्रिपेयर कर लिया जाता है, उसको असेंबल किया कर लिया जाता है और इंडिविजुअल उसकी मील बना दी जाती है। यानी कि क्या है, यहाँ पे आप लोग, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपके घर का एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल वे में, कि आपकी फैमिली है, आपकी किचन में कुछ भी काम होता है आपकी किचन में ही खाना सारा पकाया जाता है। किचन में खाना पकाने के बाद में कैसे हर फैमिली मेंबर्स को थाली तैयार करके उनको दे दी जाती है ना, तो वही चीज आपकी सेंट्रलाइज्ड डिलीवरी सिस्टम में भी होती है। एक ही जगह सारी चीजें बनाई जाती हैं, बनाने के बाद में वो जिस कस्टमर को देना होता है वहां पे डिलीवर हो जाता है। इसी की तरह एक होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन पढ़ ली हमने, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन डिलीवरी सिस्टम। सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में बस फर्क सिर्फ इतना होता है, सेंटर मींस एक ही जगह पे सारी चीजें प्रिपेयर हो रही है, बट इन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आपकी चीजें तो एक जगह पे प्रिपेयर हुई है ना, लेकिन वहां पे प्रिपेयर होने के बाद में वो कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। एक जगह पे चीजें सारी प्रिपेयर हुई, प्रिपेयर होने के बाद में ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होने की बजाय एक बल्क में क्या है, पैक कर दी गई है ना, बल्क में ये पैक हो गई। बल्क में पैक होने के बाद में उसके बाद ये जाके कस्टमर तक पहुंची, ये डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, जहां पे आप क्या है पैक्ड फूड को आप दोबारा से पका भी सकते हो और फिर उसको अलग अलग भागों में। अब जैसे सपोज करो मेरे पास में बल्क में कोई सामान आया है, तो बल्क में सामान आया है इसमें से एक एक करके मैं अलग अलग करूंगी या नहीं करूंगी, है ना। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्या था, पहले ही मुझे अलग अलग करके मिल गया था, लेकिन डिसेंट्रलाइज में सारी चीजें इकट्ठी हैं एक साथ, फिर उसके बाद में मुझे एक 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 करना है, अलग अलग करना है, उसके देन फिर जाके वो किसी कस्टमर तक पहुंचेगा। समझ रहे हो डिफरेंस। और ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रक्रिया तब यूज की जाती है जब आपका जो प्रोडक्ट है वो काफी दूर जगह पे पहुंचाना है ना। अगर सेंट्रलाइजेशन क्या है कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, कम डिस्टेंस है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जब जो आपकी लोकेशन होती है उसका डिस्टेंस क्या है वो बहुत ज्यादा होता है, तब जाके आपके ये किचन का और सर्विंग एरिया का, किचन का और सर्विंग एरिया का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, तब आपका डिसेंट्रलाइजेशन डिलीवरी सिस्टम यूज किया जाता है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, समझ में आया? जल्दी से एक लाइन में मुझे अंतर लिख के बताओ सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ते हैं, फटाफट जल्दी। देखिए हमारे पास जो फूड था ना, वो हमारे पास एक किचन थी, एक किचन में हमने सारा खाना बनाया। सारा खाना बनाने के बाद में अब जिस जिसके पास में खाना जाना है वो हमने हर एक का इंडिविजुअल कर दिया, अलग अलग कर दिया कि ये खाना इसके पास जाएगा, ये खाना इसके पास, ये खाना उसके पास, अलग अलग कर दिया। वो हमारी सेंट्रलाइजेशन कहलाता है, कि जैसे कि हम अपने घर पे होते हैं ना, तो घर पे क्या है सारा खाना हमने किचन में बनाया, किचन में सारा खाना बनाने के बाद में क्या है हर किसी को, जैसे कि कोई आपका भाई है, कोई बहन है, हस्बैंड है, मदर है ना, फादर है, तो उनको क्या ऐसा तो नहीं है ना कि आप सबको पूरा का पूरा खाना लाके दे देते हो, नहीं, हर किसी को अलग अलग परोसते हो या नहीं परोसते हो, है ना। तो यानी कि क्या है, एक ही जगह से आपकी चीजें हैं वो बस अलग अलग जगहों पर बट गई, जो उनके प्रयोग करने वाले थे उनको बट गया एक ही जगह से, है ना, तो वो आपका सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो जाता है कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन में तो हमने ये किया कि एक ही जगह पे हमारा सारा खाना प्रिपेयर हुआ, वहीं से हमने जो इसके उपभोगकर्ता थे, जो इसको उपभोग करने वाले थे, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
लेकिन डिसेंट्रलाइज में हमने क्या किया कि हमारा खाना तो बना एक ही जगह पे है ना, लेकिन यहाँ पे हर किसी को इंडिविजुअल भेजने की बजाय क्या किया गया कि जो खाना इकट्ठा बना था उसको इकट्ठा पैक कर दिया गया, एक ज्यादा मात्रा में पैक करते चले गए। अब ये पैक करने के बाद में जो हमारा जहां में ये फूड पहुंचाना था वहां पे ये हमने फूड पहुंचाया, तब वहां जाके ये जो कार्टन था ये ओपन हुआ, तब जाके ये इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो आपका स्कूल्स में मिड डे मील का जो खाना आता है उसी में वो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे खाना बनता तो सारा एक बड़ी सी किचन में है, वहां से अब क्या होता है कि हर जो खाना होता है वो एक एक टेम्पू में लोड कर दिया जाता है ना, कि ये उस स्कूल में जाएगा, ये किसी दूसरे स्कूल में, ये तीसरे स्कूल में। अब ये जैसे ही स्कूल में पहुंच जाता है वहां पे जाके ये तब जाके ये बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा था कि जैसे ही यहाँ पे खाना बना वैसे ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, एक जगह खाना बना वो पैक हुआ, पैक होने के बाद में तब जाके वो बाद में जहां पे पहुंचना था वहां जाके वो अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये डिफरेंस है आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट, मतलब सेंट्रलाइजेशन में आपको सिर्फ दो स्टेप फॉलो करने हैं है ना, क्योंकि यहाँ पे जो उपभोगकर्ता वाले थे उनको ज्यादा समय नहीं, उनका सर्विंग करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, तो जैसे ही बना वैसे ही उनको खाना दे दिया गया। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या था कि डिस्टेंस था, जहां पे खाना बन रहा है और जहां पे खाना भेजा जाना है उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, इसीलिए खाने को पहले बनाया गया, फिर जहां पे पहुंचाना है वहां के लिए खाना पैक किया गया, पैक करने के बाद में तब जाके वो खाना वहां पहुंचाया, फिर वहां पे पहुंचने के बाद में जिस जिसको खाने की जरूरत थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अभी समझे डिफरेंस? हाँ, टिफिन सिस्टम चल रहा है। यस एग्जैक्टली, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो कि जैसे सारा खाना एक जगह बना, एक जगह खाना बनने के बाद में तब जाके वो, लेकिन देखो टिफिन सिस्टम में ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको, टिफिन सिस्टम कि हाँ टिफिन सिस्टम आप एक तरीके से ले सकते हो, बट अगर आपको बहुत क्लियरली समझना है ना तो आप मिड डे मील वाला एग्जाम्पल बहुत सुइटेबल है इसके लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। क्योंकि मिड डे मील में क्या होता है मैं बता रही हूँ, एक तरीके से जो टिफिन सिस्टम है वहां पे क्या हो जाता है कि आपका ठीक है खाना एक जगह, अगर बहुत सारे टिफिन है तब तो वो डिसेंट्रलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा, लेकिन अगर आपको एक दो ही वो यूज करना है, एक दो ही टिफिन यूज करना है तो टिफिन सिस्टम भी एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो है ना। और मिड डे मील का मैं किस तरीके से बता रही हूँ कि मिड डे मील में क्या होता है कि अब ऐसा तो नहीं है कि सरकारी स्कूल है वो सिर्फ एक ही सरकारी स्कूल है, नहीं, एक ही जगह पर बहुत सारे सरकारी स्कूल होते हैं है ना, सरकारी विद्यालय होते हैं, तो हम हर एक सरकारी विद्यालय में कितने सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे। अब इतने सारे जो बच्चे हैं हर किसी के लिए एक 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 हाथ में तो नहीं लेकर आएंगे ना, तो आप इतने सारे, जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास में एक स्कूल है ना, अब एक स्कूल में मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, अब 50 स्टूडेंट्स हैं तो इन 50 स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास 50 हाथ तो है नहीं है ना, जो कि मैं हर एक के लिए अलग अलग खाना लेकर आऊं, तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे 50 लोगों के लिए लेके जाना, तो मैं एक जगह इसको पैक कर लूंगी या नहीं कर लूंगी, एक जगह पैक करने के बाद में तब जाके मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेम वे में आपका टिफिन सिस्टम भी होता है, टिफिन सिस्टम में क्या हो जाता है कि आपका एक रसोई में खाना बना, एक रसोई में खाना होने के बाद में क्या है आपने पैक कर दिया कि अच्छा ये यादव जी के यहाँ जाएगा, ये सक्सेना जी के यहाँ जाएगा, ये शर्मा जी के यहाँ जाएगा, ये कौशिक जी क्या जाएगा, तो ये क्या है ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये सारी चीजें आप एक एक हाथ में तो नहीं लेके जाओगे, अब सारा आपने एक थैली में या एक बैग में डाला, जैसे जैसे वो जगह आती गई वहां आप डिस्ट्रीब्यूट करते गए, ठीक है, वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या है आप एक ही जगह से सारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बट डिसेंट्रलाइजेशन में खाना बनाया वो पैक हुआ बल्क में, पैक होने के बाद में तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ।
अब तो क्लियर है? कोई डाउट, क्वेरी, कोई दिक्कत बताओ। बताइए भाई। ओके, बाकियों को कोई दिक्कत? चलो, रेशु जी को दिक्कत नहीं है, बाकी के कहाँ हैं भाई? बाकी के सो रहे हैं क्या? कहाँ गए? ओके, चलो तो बोलने का भाई, कैसे शर्माने का? कैसे शर्मा रहे हो मैम से? मैम भी आप ही की हैं और आप भी मैम के हो, तो शर्माना क्या है इसमें? अब देखो, ये दो तरीके से ही आपकी जो फूड सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है। अब हम लोग कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फूड डिलीवरी सिस्टम, यानी कि वो मेन टाइप्स है। अब उनके अंदर ये कुछ टाइप्स हैं, ठीक है? सबसे पहला होता है आपका टेबल सर्विस। सब जानते हो भाई टेबल सर्विस क्या है? जहां पे आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो मोस्टली, वो आपकी टेबल सर्विस होती है ना? जहां पे आपका वेटर आपके पास में आता है कि मैम ऑर्डर प्लीज, वो ऑर्डर लिखता है सारा का सारा आपका, बड़े तमीज से। फिर आप उसको बोलते हो कि मुझे ये चीजें चाहिए, वो आपके लिए फिर ऑर्डर लेके आता है ना? चलिए, ये जो टेबल सर्विस जो होती है, ये आपका कॉमर्शियली सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है एक तरीके से। टेबल सर्विस, सर्विस इज प्रोवाइडेड वाया वेटर और वेटरेसेस, यानी कि ये जो सर्विस आपकी प्रोवाइड की जाती है ना, टेबल सर्विस सिर्फ नाम से क्लियर हो रहा है कि जो गेस्ट होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, रेस्टोरेंट में, कैफेटेरिया में, टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, है ना? कितने भी लोग ले लो अब तुम, है ना? अब यहाँ टेबल पे जाके बैठ गए, अब इनके पास में एक वेटर आया। अब ये बोलेगा कि मैम व्हाट इज योर ऑर्डर, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, है ना? वो यहाँ आपसे पूछेगा, आप मेन्यू देखोगे, मेन्यू में से देख के जो भी आपको पसंद आएगा वो आप इनको सिंपली ऑर्डर कर दोगे, है ना? तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये तब कंडीशन होती है जब आपको बहुत खाना लेना होता है। तो ये क्या है, आपके लिए सिल्वर प्लेटेड डिशेस लेकर आते हैं, यानी कि जो बर्तन ये आपको प्रोवाइड करते हैं ना, वो सिल्वर प्लेटेड जो बर्तन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ जगहों पे स्टेनलेस स्टील दी जाती है, कुछ जगहों पे इनेबल जो डिशेस होती हैं, है ना? कुछ जगह पे चाइना, जो एक तरीके से मिट्टी का सा होता है लेकिन वो चाइनी की होती है ना, अर्थनवेयर मिट्टी के बर्तन दिए जाते हैं, है ना? कई जगहों पे देखा होगा आपने कुल्हड़ वगैरह, ये सारी चीजें दी जाती हैं। कई जगहों पे चीनी मिट्टी के जो आपके बर्तन होते हैं वो दिए जाते हैं, है ना? कई जगहों पर आपको स्टील के बर्तनों में खाना परोसा जाता है। तो ये हर किसी का अपना अपना अलग होता है, लेकिन इस सारी प्रणाली को क्या है, सिल्वर प्लेटेड सिस्टम भी कहते हैं। टेबल सर्विस को सिल्वर प्लेट सिस्टम भी कहा जाता है, तो भूलना मत इसे, ठीक है? जहां पे क्या होता है कि आपके पास में जो भी आपको जो खाना दिया जाएगा, वो या तो सिल्वर की प्लेट में होगा, या चीनी मिट्टी की प्लेट में होगा, या फिर मिट्टी की प्लेट में होगा, है ना? ये आपका रहता है किसमें, टेबल सर्विसेज में। टेबल सर्विस आपकी मेजरली सिल्वर सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपकी चार तरीके की होती है। पहली है आपकी फ्रेंच सर्विस। फ्रेंच सर्विस में क्या होता है, ये मोस्ट इलेबोरेट एंड लेबर सर्विस है, यानी कि ये काफी बड़ी सर्विस है, जहां पे क्या है कि आपका जो फूड होता है वो कंप्लीटली प्रिपेयर होता है। प्रिपेयर होने के बाद में आप जो गेस्ट जो होते हैं, आई मीन जो आप लोग वो कस्टमर जो हैं, उन कस्टमर को टेबल की साइड से दिया जाता है। यानी कि आपके पास जो मेन्यू है ना, जो मेन्यू में आपने देखा होगा डिवाइड रहता है, तो ये आपके राइट हैंड साइड से आपको प्रोवाइड किया जाता है। राइट हैंड साइड क्या रहता है, आपका मेन कोर्स रहता है ज्यादातर, और लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है, आपका बेवरेजेस रहते हैं, ड्रिंक एंड ऑल, ये सारी चीजें रहती हैं, करेक्ट?
कंफ्यूज मत होना। राइट साइड में आपके सारे मेन डिश वगैरह ये सारी चीज होती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके बेवरेजेस होते हैं। ठीक है, मोस्ट इलेबोरेट एंड लेवर्ड सर्विस होती है। द फूड इज कुक्ड और कंप्लीट एट द साइड टेबल इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, यानी कि यहाँ पे पूरी आपकी टेबल प्रिपेयर की जाएगी। कहेंगे कि आइए मैम बैठिए, आइए सर बैठिए, दिस टेबल इज फॉर यू, है ना। तो वहां पे वो पूरा उसको क्लीन करेंगे, डेकोरेट करेंगे, आपके पास प्लेट लेकर आएंगे, फिर ग्लास का पानी लाके रखेंगे, टिश्यू पेपर लाके रखेंगे, सॉल्ट पेपर ये सारी चीजें लाकर रखेंगे, है ना। एकदम प्रॉपरली आपको एक वार्म वेलकम वेलकम देते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद में क्या है, जो भी आप ऑर्डर करते हैं वो किचन में जाते हैं, वहां से फिर हैवी प्लेट्स लेकर आते हैं और एक एक करके आपको सारा खाना परोसते हैं, जिसको यूजली ग्रेड वन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गार्डियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फूड दैट कैन बी कुक्ड एंड असेंबल इन वेरी लेस टाइम आर प्रिपेयर इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, यानी कि इसमें ना सिर्फ एक चीज होती है कि जो आपकी फ्रेंच सर्विस होती है ना, यहाँ पे जो आपको खाना है वो बहुत कम समय में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी कि ज्यादा समय नहीं लगता है ये खाना आपको सर्व करने में। आपने जैसे ही ऑर्डर दिया तो बस कुछ ही टाइम के अंदर अंदर आपको ये खाना सर्व कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज पहले से ही प्रिपेयर होती है, समझ रहे हो? इसमें बताओ कोई डाउट, कोई क्वेरी वो बताओ पहले। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, देख लेना अपना। फिर होता है इंग्लिश सर्विस, ये अभी तक जितने भी चल रहे हैं ना, कुछ नेटवर्क इश्यू देख रही थी मैं। देखो, फ्रेंच सर्विस हो गई, इंग्लिश सर्विस हो गई, ये सारे के सारे आपके सिल्वर सर्विस के टाइप्स हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर सिल्वर सर्विस के टाइप्स ही हैं। ये सिल्वर इंग्लिश सर्विस सिस्टम क्या होता है कि इसमें ना ये किसके नाम से, होस्ट होस्ट सर्विस के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि ये जो आपकी थी ना, कौन सी वाली थी, फ्रेंच सर्विस थी, इसको आपके रेडियन के नाम से भी जाना जा रहा था, है ना। और जो आपकी इंग्लिश सर्विस है इसको क्या है, मोस्टली होस्ट सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है, होस्ट सर्विस के नाम से क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होस्ट होता है ना, वो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपका ये कौन सा वाला आ जाएगा, टेबल डी होटे, होस्ट यानी कि आपको एक तरीके से होस्ट करना, जैसे कि कोई एक जो वेटर है ना, वो पूरा आपको सर्व करेगा, आपको ध्यान रखेगा कि आपको पानी तो नहीं चाहिए, एक स्पेशल आपको वेटर मिल जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आप मोस्टली रेस्टोरेंट्स वगैरह, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आप जाओगे तो वहां पे क्या होते हैं कि कुछ जगहों पे तो वेटर ऐसे होते हैं जो सबको सर्व कर रहे होते हैं इक्वली, है ना, कि अभी तुम्हें कुछ दे गए। जो आपका जो पहले वाला सर्विस था, फ्रेंच सर्विस थी, वहां पे क्या है कि आपको कुछ सर्व कर गए, आपको सर्व करने के बाद में दूसरे कस्टमर को सर्व कर दिया एक ही टाइम में, तीसरे को भी कर दिया, चौथे को भी कर दिया, वो फ्रेंच सर्विस में। लेकिन इंग्लिश सर्विस में क्या है कि आपको यहाँ होस्ट सर्विस मिलती है, मींस कि जो वेटर आपको सर्व कर रहा है वो जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो किसी और को सर्व नहीं करेगा, वो आप ही के पास में खड़ा रहेगा। जैसे कि अगर आपको पानी चाहिए होगा तो आप उसको बोल दोगे कि वाटर प्लीज, तो वो आपके लिए लेकर आएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा कि स्पून चाहिए, है ना, या फिर सॉल्ट चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए, हाँ
हाँ, तो वहां पे क्या होस्ट सर्विस होती है, जिसको आप एंड लास्ट टिप भी देकर आते हो, है ना, वो आपकी इंग्लिश सर्विस में आ जाती है। और जो फ्रेंच सर्विस रहती है वो कॉमनली एक तरीके से आप नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहां पे इतने ज्यादा वेटर वगैरह नहीं है, है ना, प्रॉपरली उन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं पहनी है, राइट। तो वहां पे क्या है, वो एक ही थाली में सारी चीजें ले आए हैं। अच्छा, वो देख लेते हैं किस किसने क्या क्या चीज ऑर्डर करी। अच्छा, इसने पाव भाजी मंगाई है, उसने छोले भटूरे मंगाया, पाव भाजी कितने लोगों ने मंगाई है, तो वो क्या एक एक करके सबको सर्व कर देगा। ये फ्रेंच सर्विस होगी। लेकिन इंग्लिश सर्विस में क्या हो जाता है कि जो आपको सर्व कर रहा है वो तब तक आप ही को सर्व करेगा जब तक आपका हो नहीं जाएगा, तब तक आप कंप्लीट नहीं कर लोगे अपना फूड, तो वो आपकी होस्ट सर्विस कहलाती है। समझ रहे हो, यहाँ पे फूड इज ब्रॉट ऑन द प्लेटर्स बाय द वेटर एंड शोन टू द गेस्ट फॉर द अप्रूवल। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो वेटर होता है वो फूड लेकर आता है आपके सामने, वहां पूछता है कि क्या आप ये लेना पसंद करेंगे, है ना, जिसके क्या आप अप्रूव कर देते हो। द होस्ट सर्व द फूड डायरेक्टली और पोर्शन द फूड एंड अलाउ द गेस्ट टू सर्व। यानी कि जो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जितना भी काम होता है वो सारा होस्ट ही आपका ध्यान रखता है, यानी कि आप अपनी थाली में कुछ खाना भी डाल रहे हो ना, वो सारा का सारा वेटर ही आपकी थाली में डाल देगा, आपको खुद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्रेंच वाली में क्या होता है कि वो आपको सिर्फ दे के चला जाता है, फिर आप खुद ही उसको लेते हो। लेकिन इंग्लिश सर्विस में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश सर्विस में आपको एकदम प्रॉपर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट। समझ रहे हो अभी डिफरेंस। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हम लोग। फिर आती है आपकी एक अमेरिकन सर्विस। अमेरिकन सर्विस में क्या होता है, होस्ट और हॉटेस्ट गेस्ट ग्रीट एंड सीट्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि सेम आपकी इंग्लिश सर्विस की तरह ही होती है, यहाँ पे भी आपका जो होस्ट होता है वो भी होस्ट होता है, जो सबसे पहले आपको ग्रीट करेगा कि यस मैम एंड सर व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तो वहीं से आपको वो पूरा आपकी चेयर पे भी आपको बिठाएगा, है ना, आपको टेबल पे लेके जाएगा, आपके लिए पहले पानी लेकर आएगा। तो ये सारी चीजें, यानी कि अमेरिकन सर्विस जो होती है वो इंग्लिश सर्विस से और ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल होती है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे जो फूड होता है, फूड इज डिशेस अप ऑन द प्लेट्स इन द किचन। यानी कि ये किचन से ही सारे के सारे फूड्स पहले ही आपके लिए आ जाते हैं। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि जो आपको पहले ही वो टेस्ट करा देते हैं, आपसे पूछते भी नहीं कि आप क्या लोगे, है ना। और ये सर्विस भी होती है, ये आपकी कहाँ से, राइट साइड से होती है। राइट साइड मींस कि जो आपका मेन कोर्स होता है ना, मेन्यू एंड ऑल, ये सभी चीजें होती हैं। ये भी एक तरीके से प्लेट सिस्टम होता है। बस इतना आपको याद रखना है कि इंग्लिश सर्विस है वो आपकी स्पेशल है, बट अमेरिकन सर्विस क्या है वो एक्स्ट्रा स्पेशल है। बस इतना डिफरेंस याद रखना है इसमें। फिर आती है आपकी रशियन सर्विस। रशियन सर्विस में क्या होता है, द फूड इज फुली प्रिपेयर एंड इंटरेक्टिवली अरेंज ऑन द सिल्वर प्लेट्स इन द किचन। यानी कि यहाँ खाना प्रॉपर तरीके से पूरा तैयार होता है, उसको एक प्लेट में सारा खाना एक साथ सजाने के बाद में तब जाके वो गेस्ट को सर्व किया जाता है, ये जिसको आप कह सकते हो कि थाली वाला जो सिस्टम होता है ना आपका, उस नाम से आप इसको जान सकते हो। द प्लेटर्स आर टेकन फ्रॉम द किचन एंड सर्व ऑन द गेस्ट प्लेट्स एज पर द डिजायर पोर्शन। यानी कि जितना चाहिए होता है उतना कस्टमर से पूछ लिया जाता है, उसके बाद इकट्ठा सारा एक प्लेट में लाके रख दिया जाता है, ठीक है,
इंग्लिश में और अमेरिकन में क्या होता था, जैसे जैसे आपको चाहिए होता है वैसे वैसे आपके लिए आ जाता है एक एक करके सामान, लेकिन रशियन में क्या है, इकट्ठा ही सारा कुछ ले आते हैं वो, ठीक है, यहाँ पे एक एक करके नहीं लाते हैं। फिर होती है आपकी एक सेल्फ सर्विस। ये तो अभी तक ये चार थे ना, रशियन, अमेरिकन, इंग्लिश और फ्रेंच, ये सारे के सारे आपके किसके टाइप से, सिल्वर सिस्टम के, है ना, जो आपका प्लेट सिस्टम था सिल्वर सिस्टम के टाइप से। अब है आपका एक सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस में आपका क्या है, बफेट आ जाता है ना। इसमें क्या होता है कि आप खुद जाके अपना फूड लेते हो, सिर्फ आपको ऑर्डर करना होता है, ऑर्डर करने के बाद में खुद ही आप फूड लेकर आते हो। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं समझ में आओ, पहले बताओ पिछले वाला समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, सेल्फ सर्विस में कुछ नहीं, आपको सिंपली कूपन दे दिया जाता है। कूपन देने के बाद में वो आपको फूड आइटम दे देते हैं, वहां पे करते हो, पे करते ही आपको कूपन मिल जाता है, टोकन नंबर मिल जाता है, काउंटर पे वो जाके आपको टोकन देना होता है। फिर देने के बाद में अगर जो फूड आपने ऑर्डर किया है वो अवेलेबल होता है तो आपको वो प्रिपेयर करके दे देते हैं। द गेस्ट आर रिक्वायर्ड टू टेक देयर ओन प्लेट टू द टेबल। और यहाँ पे क्या है, गेस्ट को क्या करना होता है, जो भी होता है वो खुद ही अपनी प्लेट को अपनी टेबल तक लेके जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था, आपका जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे वेटर सर्विस नहीं होती है, कोई भी वेटर नहीं होता है, उन जगहों पे आपकी सेल्फ सर्विस यूज होती है ना, आप खुद ही वेटर बन जाते हो। इसमें क्या आ जाता है, टेक अवे आ जाता है। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे हैं एरियाज जहाँ पे क्या है कि आपका ड्राइव थ्रो कर दिया है ना, कि आप ऑर्डर कर दिए और आप बाहर लेके जा सकते हो, या फिर आप गाड़ी से ही ऑर्डर कर देते हो, वहीं आपको मिल जाता है, काउंटर पिकअप भी हो जाता है, ड्राइव थ्रू, है ना। बफेट सिस्टम आ जाता है इसमें, वेंडिंग मशीन आ जाती है, मोबाइल फूड यूनिट आ जाती है ना। मेन्यू, जैसे मोबाइल फूड यूनिट में क्या है कि आपने ऐप से ऑर्डर कर दिया, पहले ही आपने ऑर्डर कर दिया, कॉलेज के कैंटीन में होता, हाँ कॉलेज के कैंटीन में यही सेल्फ सर्विस आएगी आपकी, जहां आपको पे करते हो, पे करने के बाद में आप खुद लेकर आते हो, फिर आप देखते हो कि भाई कहाँ पे मेरा ग्रुप बैठा हुआ है, कहाँ टेबल खाली है, तो वहां जाके आप चले जाते हो। और इसमें सेल्फ सर्विस में एक चीज रहती है कि आपका जो मेन्यू होता है ना वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये याद रखना बस। बाकी के जो थे उनमें मेन्यू एक बार को चेंज हो सकता है, एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूडेड हो सकती हैं, बट सेल्फ सर्विस में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये हिंदी वाले देख लेना भाई, जैसे कि इसमें आ जाता है एक आपका कैफेटेरिया। कैफेटेरिया क्या है, आपकी जितने भी कैंटीन्स कॉलेज होते हैं वहां पे कैफेटेरिया के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी सेल्फ सर्विस होती है। बफेट सर्विस, बफेट सर्विस क्या होती है, जहाँ पे आपका जो फूड आइटम है वो डिस्प्ले होता है, फिर आपको जो भी चाहिए होता है आप उसको ऑर्डर कर देते हो, और ऑर्डर क्या यार, मतलब खुद जाके ले लेते हो। जैसे कि जितनी भी पार्टीज एंड ऑल ये सारे जो प्लेसेस होते हैं उन जगह पे बफेट सर्विस सिस्टम ही होता है, यानी कि हर जगह पे ये काउंटर रखे रहते हैं, आप जाते हो खुद लेकर आ जाते हो, प्लेट सिस्टम जो होता है ना, खुद अपनी थालियां लगाते हो कि नहीं लगाते हो शादियों में, वो आपका बफेट सिस्टम है। स्मॉल ग्रास बोर्ड क्या होता है, ये एक स्वीडिश स्टाइल है बफेट का, ये भी बफेट सर्विस ही होता है, यहाँ पे भी जाके आपको खुद ही लेना होता है, लेकिन ये आपकी स्वीडिश स्टाइल होती है। इस स्टाइल में क्या होता है, छोटी छोटी डिशेज होती हैं जो कि आपकी टेबल पे रखी हुई होती हैं, बस ये था, ठीक है। फिर होती है आपकी एक ट्रे सर्विस। ट्रे सर्विस में क्या होता है, ये एक तरीके का फूड सर्विस एम्प्लॉय होता है, जहाँ पे फूड एक जो एम्प्लॉय होता है उसके लिए होता है। इट इज जनरली यूज बाय द हेल्थ केयर सिस्टम एंड फ्लाइट मील सर्विस, यानी कि जो आपका फ्लाइट में हो गया है ना, या फिर हेल्थ केयर हो गए, तो वहां पे आपको एक ट्रे में सारा खाना सर्व कर दिया जाता है, वो आपकी ट्रे सर्विस होती है। जैसे कि आप कभी प्लेन में जाओगे, फ्लाइट में जाओगे कभी, तो वहां पे आप, ऐसा तो नहीं है कि आपको हर एक किसी अलग अलग चीज में खाना दे दिया जाएगा, नहीं, वहां बकायदा आपके लिए जो खाना आता है वो प्रॉपर ट्रे में आएगा खाना, है ना।
ट्रे में खाना आने के बाद में आपके पास जो एक टेबल सी रहती है आपकी चेयर पे, उसको आप फ्लिप करते हो। फ्लिप करने के बाद में वहां आप आराम से बैठ के खाते हो। यहाँ पे कोई भी टेबल सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे ट्रे सिस्टम होता है ना। ऐसा भी नहीं कि आप ट्रे में ही खाने लग जाओगे, नहीं, वहां जो प्रॉपर तरीके से आप अपनी चेयर पे बैठ के खाते हो, वो आपका ट्रे सर्विस सिस्टम कहलाता है। जैसे कि हॉस्पिटल ट्रे सर्विस सिस्टम, जिनको आप गैनीमेड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इंडिविजुअल पेशेंट ट्रे आर मेड अप ऑफ ऑन अ कन्वर्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्री ऑर्डर रिक्वायरमेंट। हाँ, हॉस्पिटल्स में भी होता है एग्जैक्टली। देखो, हॉस्पिटल्स में क्या है, गैनमेड सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल की हर प्लेट प्रिपेयर कर दी जाती है, उसके बाद में वो जाके खुद खाते हैं। एयरलाइन ट्रे सर्विस सिस्टम, यानी कि जो अभी चीज मैंने बताई थी वही है, जो अलग अलग बस लिखा है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल सारा का सारा फूड है वो आपका प्रिपेयर करके आपकी ट्रे में प्लेस कर दिया जाता है, और या तो हॉट कप में दिया जाता है या चील्ड कप में दिया जाता है। यानी कि आपको कोई ड्रिंक चाहिए तो या तो वो कॉफी चाहिए तो वो हॉट कप में मिलेगी, और कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो वो चील्ड कप में मिलेगी। बस ये डिफरेंस रहता है। फिर उसके बाद में कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि होम डिलीवरी। होम डिलीवरी को मील्स ऑन व्हील्स भी कहा जाता है। देखो, कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी की रामायण पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। इसको मील्स ऑन व्हील्स कहा जाता है। ये मोस्टली आपके जो एल्डरली पीपल होते हैं ना, उनके लिए यूज किया जाता है, जो खुद खाना कुक नहीं कर सकते हैं, है ना। वैसे तो आजकल ये सब जगह यूज होता है, आपने बस ऑर्डर किया और आपके पास आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ दी ये एल्डरली पीपल के लिए यूज किया गया मील्स ऑन व्हील्स, जो कि खुद से खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो उनके लिए कम्युनिटी बनाई गई। ये कम्युनिटी प्रोग्राम है जहाँ पे ये लोग जो फूड डिलीवर करते हैं ना, होममेड फूड डिलीवर करते हैं, किसको, सीनियर्स को, जो कि खाना परचेज करने में अनेबल होते हैं। अब तुम लोग तो जो ऑर्डर करके मंगाते हो वो उसका पे करते हो, राइट, लेकिन यहाँ पे इनको परचेज नहीं करना था, इनके पास में खुद खाना आ जाता है, एक तरीके से इनको सेवा दी जाती है, वो होम डिलीवरी मील्स ऑन व्हील्स कहा जाता है। यहाँ पे अगर आपकी आपका भी मील्स ऑन व्हील्स हो जाएगा जो आप पे करते हो, बट अगर हम लोग इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो स्पेशलिटी क्या है, ये सीनियर्स लोगों के लिए ये चलाया गया था ये प्रोग्राम, जहाँ पे वो खुद ना ही बना सकते थे अपना खाना और ना ही परचेज कर सकते थे, ठीक है। फिर एक होता है रूम सर्विस, जो कि आपकी मोस्टली क्या है, रूम्स में यूज की जाती है। आप कहीं बाहर जाते हो, रूम लेते हो, तो वहां पे आप जो रिसेप्शनिस्ट होती है वहां आप कॉल करते हो, कॉल करने के आप कह देते हो कि रूम नंबर इतने में आपको ये खाना चाहिए, तो वहां पे जाके आपको खाना मिल जाता है, वो आपकी रूम सर्विस कहलाती है, ठीक है। तो ये था, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा, लेकिन स्टिल अगर कोई कंफ्यूज है ना तो आप पूछ सकते हो मुझसे। और जो मैंने क्वेश्चंस जो दिए थे, एक दो क्वेश्चन जो सैटरडे वाली क्लास में, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लो मुझसे अभी। और जिस जिसने अभी तक फिलअप फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लेना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, उनको बता देना, जहाँ पे आपके सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और आपको होम साइंस का कोर्स परचेज करना है, जिसके लिए आप मातुर 10 ये कूपन कोड यूज कर सकते हो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं कल 10 बजे मॉर्निंग में ही, और कोई कंफ्यूजन हो पढ़कर आना, है ना, और क्वेश्चंस भी लगा लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दी क्लास, टाइम से आ जाया करो, और जो ऐप जो मैंने बोला है टेलीग्राम चैनल का, उसका फायदा उठाओ भाई, वहां पे डिस्कशन स्टार्ट करो, ठीक है, वरना डिजिटल पिटाई होगी आप लोगों की। चलिए, कल मिलते हैं ना। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर योर सेल्फ, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज्यादा, क्योंकि तो वेदर चेंज हो रहा है और बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके बाय। यस, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, यही स्माइल चाहिए मुझे आपकी, इतनी बड़ी वाली।
हाँ डिजिटल पिटाई होगी भाई आपकी, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।